भाई साहब, अभी पूजा कॉलोनी में दो समुदायों के बीच कोई मामले की बात आई थी सामने, आखिर वो पूरा क्या मामला है? आज पूजा कॉलोनी जो थाना टोनिका सिटी के अंतर्गत आता है, करीब शाम के वक्त 3:30 बजे के लगभग कलश स्थापना के लिए 30-35 महिलाएं पुजारी शैलेंद्र कुमार शुक्ला के साथ कलश स्थापना के लिए मंदिर जा रही थी। कलश मंदिर स्थापना करके वो वापस लौट रही थी। तो ऐसा पूछताछ में पुजारी जी ने बताया कि एक ही रास्ते से आवागमन नहीं हो सकता, तो वो दूसरी गली का उन्होंने चुनाव किया वापस लौटने के लिए कलश स्थापना के। परंतु उस गली में एक श्रीमती अजरुनिसा पत्नी अब्दुल खां की कल मृत्यु हुई थी रात में, उसको लेकर के वहां शोक सभा हो रही थी, और जिस वजह से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ढोल बैंड बाजे आदि के साथ जो कलश यात्रा निकाली जा रही है यह उचित नहीं है, उस पर दोनों समुदायों में आपसी हाटाक हुआ। परंतु सामाजिक वर्ग के लोग आगे आए, आगे आकर के दोनों पक्षों से बातचीत करके उन्होंने सकुशल यात्रा वहां से निकाल दी। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक कुछ सूचनाएं आई हैं कि वहां पर पथराव आदि की घटनाएं हुई हैं, ऐसा वहां पर दोनों पक्षों से वार्ता किया गया है, ऐसा वहां पर कोई भी साक्ष्य पथराव आदि का नहीं मिला है और स्थितियों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। पूर्णतः शांति है और व्यवस्था कायम है, शांति व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.